गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। इससे पहले भी मैंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर डाला है 2018 का, और आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर मैं आपको देने जा रही हूँ। 2018 का लेटेस्ट पेपर पैटर्न है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 5 मार्क्स के लिए आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आपको पूरे के पूरे 5 फिलअप करने हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का भी आता है मैच द कॉलम्स, ये भी आपके लिए आपको ना 5 मार्क के लिए आता है, इट ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1C, करेक्ट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स, यहाँ पे आपको जो ये अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये आपको करेक्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट में ऑप्शन बता दूँ, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो प्रेसिडेंशियल रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री आएगा, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1D, ये आपको आता है 2 मार्क्स के लिए, ये आपको MCQ टाइप है, देखो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2A, ये 1 सेंटेंस है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, यू हैव टू सॉल्व एनी 6 out of 8 questions, तो यहाँ पे 8 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इट कैरीज 6 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2B, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल है आपको फिल करनी है गैप्स, इट कैरीज 4 मार्क, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है विथ रीजंस, आपको रीजंस देने हैं, ठीक है, रीजन नहीं देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कैरीज 8 मार्क्स। यहाँ पे आपको 7 ऑप्शंस मिल जाएंगे, यू हैव टू सॉल्व एनी 4, आपको कोई तो 4 आपको सॉल्व करना है, 2 मार्क फॉर ईच। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर्स, यहाँ पे आपको ब्रीफली आंसर करना है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस, इट कैरीज 4 मार्क, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो यहाँ पर आपको जैसा पॉइंट दिया है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना है। जैसे अभी फर्स्ट वन का ऑब्जेक्टिव है, तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का दोनों का भी ऑब्जेक्टिव ही आपको लिखना है, तो जैसे जैसे आपको पॉइंट दिया वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करना है उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आपको और कोई अपने आपसे पॉइंट नहीं लिखना है, जो आपको वहाँ पर पॉइंट है वही लिखना है, ठीक है। ये आता है आपको 6 मार्क्स के लिए, यानी 2 सॉल्व करने हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, और एक जो हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसको 3 मार्क्स फॉर ईच। अब क्वेश्चन नंबर 5B हमारा है आंसर एनी 1, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यू हैव टू सॉल्व एनी 1 क्वेश्चन, इट 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यू हैव टू सॉल्व एनी 2, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको दोनों भी सॉल्व करने हैं, या तो आपको 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, मतलब ये आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, या तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे दोनों ही सॉल्व करने हैं, या तो 1 क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 क्वेश्चन आ सकते हैं या तो फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको 4 मार्क्स ईच, तो ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, यू हैव टू सॉल्व एनी 1, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें से 1 सॉल्व करना है, और इस ये डिटेल आंसर है इसलिए इसके लिए 10 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इसे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट पेपर पैटर्न और क्वेश्चन पेपर, और जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।